हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, मैं हूं कपिल। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक जो हमने लिया है वो लिया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्री चतुर्भुज से किस तरीके से आपसे टेट एग्जाम में नहीं बल्कि अदर किसी भी एग्जाम में अगर आपका ये टॉपिक रहता है तो बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए किन किन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, और इस पर बेस्ड अगर ऐसी कोई भी क्वारीज अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं तो बिलीव करिए आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में ये वो क्वेश्चन है लगातार किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और आपको डी एंगल दे रखा है और आपको वी दे रखा है, तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको बतानी होगी। और क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू आपको बताना है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें भी आपको एक्स का वैल्यू बताना है, एंड क्वेश्चन नंबर फोर इसमें भी आपको ना ए का वैल्यू बताना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पता हैं तो बिलीव करिए आप कुछ ही मिनटों बोले के सेकंडों में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यूपी टीजीटी पीजीटी अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसा कि रहते हैं मैंने बताया था हेल्प रहने वाला। तो चलिए मैंने वो नोट यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको अब शो करने वाला हूँ। तो देखिए एंड आई होप आपको ये सेशन बिल्कुल आपको पसंद आएगा और एग्जाम में काफ़ी हेल्प रहेगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो आज का हमारा टॉपिक है, तो इसमें क्या रहता है आपका एक सर्कल होगा उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल आपका बना होगा। तो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, यहाँ पे चार एंगल आपके यहाँ बने होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ अपोजिट एंगल यानी कि अपोजिट एंगल का जो सम रहता है वो आपका 180 डिग्री के इक्वल रहता है, यानी कि ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 एंड सी प्लस बी, या हम बोल सकते हैं बी प्लस सी, अपोजिट एंगल का जो सम रहेगा वो आपका 180 रहेगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, ये आपको याद रखनी है। और सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी दोस्तों ये है, को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम नहीं को इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपके इक्वल रहते हैं पैरेलल लाइंस पे, जैसे कि ए इज इक्वल टू आपका सी रहेगा, वी इज इक्वल टू आपका डी रहेगा, या फिर बात करें ए इज इक्वल टू आपका बी रहेगा। यहाँ भी दो पैरेलल लाइन आपको दिखाई देंगी, उनके जो को इंटीरियर एंगल है वो आपके सेम रहते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू वी सी और बी इज इक्वल टू डी, या फिर ए इज इक्वल टू हम यहाँ से बी भी कह सकते हैं। तो देखिए इन्हीं प्रॉपर्टीज में उन क्वेश्चनों को हम विद इन सेकेंड में इन क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। अगर देखो स्टूडेंट अगर आपको सेशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, एंड आई होप मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी सारी क्वारीज है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। देखो पहला क्वेश्चन आपका है, इफ़ ए बी सी डी इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में आपसे पेपर टू में पूछा गया है और यूपी टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आपको डी में डी एंगल दे रखा है और आपको वी एंगल दे रखा है। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल का जो सम रहता है स्टूडेंट्स वो बच्चों आपका रहता है 180 डिग्री के बराबर, यानी कि 180। तो देखिए हम लिख सकते हैं बी प्लस डी इज इक्वल टू 180, तो जो डी का एंगल है वो आपका है एक्स माइनस का 21 प्लस एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा मैंने बोला था अपोजिट एंगल का सम आपका 180 के यहाँ पे बराबर रहेगा। आप इसको सॉल्व करिए, एक्स और एक्स आपको दो को दोस्तों कितना हो गया 2x, और 21 में से 15 गया तो आपका माइनस का 6 यहाँ पे रह जाएगा बिकॉज माइनस का बड़ा है, और बाकी इसका सिंपल सी बची हुई कैलकुलेशन एंड आई होप इतना तो आप इजीली इनको कर लोगे और आना भी आपको यहाँ पे चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू आपका 186 यहाँ पे बच्चों हो गया, तो जो x की वैल्यू आपकी 29 और 23, यानी कि x का जो वैल्यू है वो आपका 93 आ चुका है। ठीक है एंड आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू आपका ये रहा, देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज लिखी नहीं है, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू बतानी। देखिए अपोजिट एंगल दे रखे हैं, अपोजिट एंगल जैसे ही आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दिखाई दें तो उनका जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री के यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो सिंपली यू कैन सॉल्व इट इन विद इन सेकेंड। तो 180 माइनस का 73, तो 10 में से 3 गया तो आपका 7 बचा, और यहाँ पे बचा आपका कितना 7 माइनस 7 आपका 0 हो गया, यानी कि 107 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, और एंड आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होते जा रहे होंगे। इनके प्लेस पे एंगल और कुछ भी हो सकते हैं, तो डजेंट मैटर, आप इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी पे है। देखो अब यहाँ पे क्या अपोजिट एंगल नहीं दे रखे हैं, आपके को इंटीरियर एंगल आप दे रखे हैं दो पैरेलल लाइन से,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन उनके कोइंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, सो वी कैन से एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस का 70, राइट। अब क्या होता है, कोइंटीरियर एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपके इक्वल होते हैं, तो 2x माइनस 70 इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग, 2x माइनस का x इज इक्वल टू 70, तो x का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आपका 70 आ गया। सिमिलरली अब देखो आप इसको देखते आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a इज इक्वल टू 63, तो ऑब्जेक्टिव वहाँ पे दिखाई देगा, तो आपका देखो a इज इक्वल टू 73। आपके एंगल यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही कंपेरिजन करके इससे टफ क्वेश्चन आप इनको लगा सकते हो, एंड आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो, अगर उसके बाद भी क्वेरीज रह जाती है अपना क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक यू एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।